हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलएस स्टाइल्स। इस वीडियो में मैंने नायरा कट अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है, मैंने अपनी डॉटर को पहनाया था, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिख रहा था। एक बार आप ही बनाइए, बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल इजी डिज़ाइन है। इसको मैंने लेस के साथ रेडी किया है और ये सिर्फ 1 मीटर फैब्रिक में हो जाएगा। ये फ्रॉक 4 to 5 ईयर बेबी गर्ल के लिए बहुत ही इजीली हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दें और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फैब्रिक को पहले डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए किनारे वाली साइड है, ये हम अपनी लेंथ ले लेंगे। यहाँ मैंने 16 इंच लेंथ ली है, इस पे इसको कट कर लेंगे। उसी लेंथ में हम इसको कट कर लेंगे और 4 फोल्ड में रख लेंगे। ये देखिए हमारा ओपन वाला साइड इधर है। यहाँ से हम 3.2 इंच पे मार्क लगाएंगे। हम वेस्ट का 1/4 हिस्सा लेंगे और उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे मार्जिन के लिए। यहाँ मैंने 3.2 इंच ले लिया है। यहाँ भी हम 3.2 इंच पे बीच में भी मार्क करेंगे। टेप को ऐसे रख लेंगे और इधर भी 3.2 इंच पे मार्क कर लेंगे राउंड में। अब हम इन निशानों को मिला लेंगे आपस में, राउंड कर लेंगे इसको। इसके बाद हम एक बार फिर से इसको नाप के देख लेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं। ये देखिए 3.2 एंड 3.2 एक्यूरेट है। अब हम इसकी लेंथ देख लेंगे। लेंथ हमारी ये जो है 13 इंच है और ये 13 इंच जो है वो 16 इंच पे आ रहा है। अब हम 16 इंच पे टेप को पकड़ लेंगे और उसके बाद राउंड में, ये देखिए 16 इंच पे पकड़ने के बाद घुमाते जाएंगे और मार्क लगाते जाएंगे। सब तरफ से हमें 16 पे ही लेना है। ऐसे घुमा के राउंड में हमने मार्क कर दिया है। अब हम इन निशानों को मिला देंगे आपस में और इन्हीं निशानों पे हम इसको कट कर देंगे। बहुत ही लेटेस्ट और यूनिक डिज़ाइन है। विंटर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ये डिज़ाइन बनाई है। फुल स्लीव की ये डिज़ाइन है और ये पहनाने के बाद डॉटर्स को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। इसे मैंने कॉटन की फैब्रिक और एक थोड़े से जो डिज़ाइन लगाई है मोटे स्टफ़ के साथ बनाया है। आप चाहें तो इसे उलन के साथ भी बना सकते हैं। ये देखिए कट करने के बाद ये हमारा बॉटम वाला पार्ट इस तरीके से आएगा। अब हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने डबल फोल्ड में फैब्रिक ले लिया है। दो अपर और लोअर पार्ट दोनों को रख लेंगे। इसकी जो लेंथ है वो 10 इंच है और विड्थ जो है वो 7.5 इंच है। अब हम मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर ले लेंगे हम 4.5 इंच, आर्म होल ले लेंगे हम 5 इंच, 5 इंच पे मार्क कर लेंगे। बाद हम बस्ट लेंगे। बस्ट के लिए हमने 6.5 इंच लिया है और 1 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। इसके बाद हम वेस्ट ले लेंगे। वेस्ट के लिए हमने 6 इंच पे मार्क किया है और 1 इंच मार्जिन रहेगा। अब हम इन दोनों निशानों को स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। आर्म होल की शेप को ड्रॉ कर लेंगे हम। पहले बैक वाले आर्म होल की शेप, उसके बाद फिर थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके हम फ्रंट आर्म होल की शेप को ड्रॉ कर लेंगे। नेक विड्थ हम रखेंगे 2 इंच, 2 इंच पे मार्क कर लेंगे और हम थोड़ा सा 0.5 इंच से भी कम हम स्लोप को डाउन कर लेंगे। थोड़ा सा कंधे को डाउन करेंगे। उसके बाद हम 2 इंच बैक नेक के लिए मार्क करेंगे और 3 इंच हम फ्रंट नेक के लिए मार्क करेंगे और बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हम नेक की शेप को ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों ही नेक की शेप को ड्रॉ कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगती है। आपका कमेंट
हमें बहुत ज़्यादा खुशी देता है और नई नई डिज़ाइन ट्राई करने के लिए बहुत हेल्प करता है। यहाँ पे हम 0.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क कर लेंगे और मिला लेंगे, जिससे कि शेप बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाएगी टॉप वाले पार्ट की। इसके बाद हम इन्हीं निशानों पे इसे कट कर लेंगे। ये फ्रॉक जो है बनाने में बहुत ज़्यादा इजी है, इसे बिगनर्स भी इजीली ट्राई कर सकते हैं। सेम डिज़ाइन का फ्रॉक अगर आप यंग गर्ल्स हैं जो 10 to 15, 16 ईयर्स की हैं, उनके लिए भी आप बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। बस आपको साइज जो है जो भी गर्ल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही रखना है। यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ मेरे पास एक छोटा सा पीस पड़ा हुआ था, वो मैंने ले लिया है। कोई भी कपड़े का बचा हुआ आपके पास पीस हो तो वो ले लीजिए डिज़ाइनिंग के। अगर आपको ख़रीद के लेना है तो आधे मीटर से भी कम कपड़ा लगेगा। सेम हम अपना फ्रंट वाला पार्ट इसके ऊपर रख के और इसी शेप और साइज़ में इसको हम काट के रेडी कर लेंगे। इसको कट करने के बाद अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन के लिए मार्क करेंगे। पहले हम अपने मेन फैब्रिक को बिछा लेंगे, उसके बाद डिज़ाइन वाले फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद हम मार्क लगाएंगे, ऊपर में हम मार्क लगाएंगे 3 इंच पे। यहाँ 3 इंच पे हम निशान लगा लेंगे लंबाई इसकी, और इस साइड से चौड़ाई हम 1 इंच रख लेंगे। निशान लगा लेंगे 1 इंच पे। इसके बाद नीचे से हम 1 इंच पे इधर से भी मार्क कर लेंगे और उस साइड से भी हम 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब हम फ्री हैंड से इस तरीके से धीरे धीरे ले जाते हुए जो हमने 3 इंच पे मार्क लगाया है इसे वहाँ पे मिला देंगे, और उसके बाद बिल्कुल उधर से लाते हुए हम इसको नीचे की तरफ मिला देंगे। अब हम इन्हीं निशानों पे इसको कट कर लेंगे। पहले हम अपना नीचे वाला, ध्यान रहे नीचे वाला जो फैब्रिक है उसको निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद आप चाहें तो इसमें उरेब पट्टी भी काट के इसको लगा सकते हैं पलटने के लिए, या फिर मैंने इसी कपड़े को कपड़े के ऊपर रख कर और पट्टी को कट कर लिया था, दूसरे रफ कपड़े के ऊपर रख लिया था इसको, ये जो नेक वाली डिज़ाइन है, उसके बाद इसी शेप में हमने पट्टी को कट कर दिया था। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के जो मोहरी की लेंथ है वो 5.5 इंच लेंगे, और ऊपर जो मोढ़ा वाला लेंथ है वहाँ हम 6.5 इंच कर लेंगे और निशान लगा लेंगे। स्लीव की शेप को ड्रॉ कर लेंगे। इसकी जो लेंथ रहेगी टोटल लेंथ हम 11 इंच रखेंगे, और स्लीव का ये जो कपड़ा है ये हमारा जो हमने घेरा निकाला था ये उसमें से बचा हुआ कपड़ा है इसलिए कम है। यहाँ हम स्लीव की शेप को ड्रॉ करके नॉर्मल स्लीव की तरह ही इसकी कटिंग होगी और कट कर लेंगे। मेरे पास लेंथ थोड़ी सी कम पड़ रही है इसलिए हम थोड़ी सी डिज़ाइन लगा के लेंथ को कंप्लीट करेंगे। स्लिप में भी हम इजाफा कटिंग कर लेंगे फ्रंट वाले आर्म होल की तरफ से, और यहाँ हम बैक वाला जो हमारा पार्ट है उसमें 2 इंच पे कट लगाएंगे बटन के लिए। ये देखिए ये मैंने कट किया था, यहाँ पे हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे जो मैंने बताया था आपको कि पट्टी लगाने के लिए रख के यही कपड़े को कट किया था मैंने। अब इस पर हम सिलाई लगा लेंगे और इसको पलट के हमें इस पर तुरपाई कर लेनी है। ये जो कोना वाला है इसको थोड़ा हमें अच्छे से रोक के फिर सिलाई लगानी है ताकि हमारी जो कॉर्नर्स हैं वो अच्छे से बन जाए। नोचे छोटे छोटे लगा लेंगे पलटने से पहले ताकि अच्छे से ये बैठ जाएगा, और आयरन करके यहाँ हमने इसे वैसे बैठा लिया है और इसको तुरपाई कर लेंगे। अब हम नेक की सिलाई लगाएंगे, जो हमारे डिज़ाइन वाला कपड़ा है उसके ऊपर हम ये सिलाई लगा देंगे और इसको पलट देंगे
तो डिज़ाइन हमारी फ्रंट वाले पार्ट पे आ जाएगी। नॉचेज़ लगा देंगे, उसके बाद इसको पलट लेंगे और आयरन से इसको बैठा लेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम फिक्स कर लेंगे इसको सिलाई लगा के। अब हम इसके ऊपर लेस को अटैच करेंगे। इसी तरीके से आपको लेस अटैच कर लेनी है। यहाँ हमारा रेडी हो गया है। अब हम बैक वाले पार्ट पर ऐसे पट्टी रख के सिलाई लगा लेंगे। अब हम शोल्डर्स को जॉइंट करेंगे। ये देखिए, बैक वाला पार्ट का जो पट्टी है उसको ऊपर कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे और इधर से भी हाँ ऊपर रख करके पट्टी को सिलाई लगा लेंगे। यहाँ हमारी स्लीव्स भी रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ अपने दोनों शोल्डर्स को जॉइंट कर लेंगे, फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ हमारा जो टॉप पार्ट है वो रेडी हो गया है। अब हमारे टॉप पार्ट पे जहाँ सिलाई लगी है सेम उसी निशान पे हम अपने बॉटम पार्ट पे भी सिलाई लगा लेंगे और उस वहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और 2.5 इंच तक हमें सिलाई लगानी है दोनों साइड से। ये देखिए, बंद कर लिया हमने। उसके बचे हुए कपड़े में हम जैसे नॉर्मल चाक फोल्ड करते हैं ऐसे ही हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ हमने फोल्ड करके रेडी कर लिया है। हम दावन को भी ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम चाक और दावन पे अपने लेस को लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम लेस लगा लेंगे। चारों तरफ हमें लेस को अटैच कर लेना है। यहाँ मैंने करके रेडी कर लिया है। अब हम इसको बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर में मार्क लगाएंगे और हम अपने टॉप पार्ट को भी बीच से फोल्ड करके सेंटर में मार्क लगाएंगे। हमारा टॉप पार्ट सीधा रहेगा और बॉटम पार्ट उल्टा रहेगा। इसके अंदर रख के हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे और ये राउंड में हमें सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास ये एक फ्लावर था, इसको हम इसके नीचे अटैच कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना रखिए ख्याल।